जय हिंद दोस्तों, रेलवे का एक सीट पक्का करने के लिए इस चैनल से आपको जुड़ना होगा, या फेसबुक पेज को देख रहे हो तो उससे भी जुड़ना होगा, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम पर जहां पर भी हो, पारा चंपारण वाला को आपको फॉलो सब्सक्राइब जो भी करना है करिए, और आपको एक से एक बेहतरीन तरीका मिलेगा। जैसे देख रहे हो आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 का प्रश्न है, स्टेज 1 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ, देखो कितना इसको चाहोगे तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक करोगे तो यहां ध्यान देना है, ये 25 और ये 65, यानी टैन में टैन रहे या कॉट कॉट रहे, अगर दोनों एंगलों का जोगफल 90 डिग्री होगा तो बस उसका वैल्यू 1 है। या काट सकते हो ये 10 25 65, 65 25 जोड़ोगे 90, कैंसिल 10 35 10 55, ये भी कैंसिल, बच गया क्या 10 45, और 10 45 है यहाँ 3 बचा है, और 10 45 की वैल्यू 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। लेकिन ये क्यों कहते हैं, इसका तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, ये तो ट्रिक बता दिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनल रूप से क्या है। अब आप खूब लोग बढ़िया से जानते हो कि टैन थीटा हो और इसी का उल्टा कॉट थीटा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां आपको टैन 25 था और यहां से टैन 65 उठाओगे तो इस टैन 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 65 बराबर 90 माइनस 25। और आप जानते हो कि टैन 25 टैन 90 माइनस थीटा, ये टैन चेंज हो जाता है किसमें, तो कॉट थीटा में, तो यह कॉट 25 हो गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, ये भी 25 डिग्री है, ये भी 25 डिग्री है, यह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलरेडी यहां बताया है कि इसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये टैन 25 और यहां से टैन 65, ये दोनों को अगर करेंगे तो ये गुना मिल के क्या बनेगा, यहां तो 3 दिया हुआ है, ए और ए मिलके 1 बन गया, ए 35 और 55 जोड़ोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, और साथ में टेन 45 दिया तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 3 में 1 से गुना किया आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यह किसमें रहे, टेन टेन रहे, फिर कॉट रहे तो भी ये नियम लागू हो, और साइन के साथ सेक रहे और कॉस के साथ कॉसेक रहना चाहिए, लेकिन वो एग्जाम में आपके रेलवे में नहीं पूछते, आपके रेलवे में केवल टैन टैन रहे या कॉट कॉट रहे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये टैन 1 डिग्री दिया हुआ है और इधर से टैन 89 लोगे, ये 89 और 1 डिग्री मिलके कितना हो गया, 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अभी बताया, इधर से 2 आएगा, इधर से 88 आएगा 90, इधर से 3 आएगा, इधर से 87 आएगा, यानी यह 44 को पेयर बनेगा क्योंकि 89 है, तो 44 दुनी 88, यानी कितने पेयर बनेंगे, तो 44 पेयर बनेंगे, और तुम जानते हो यानी 44 जोड़ा, और तुम जानते हो कि 1 जोड़ा बराबर क्या होता है, 1, यानी टेन 1 इंटू टेन 89, ये दोनों का है 1 और 89 जोड़े तो वैल्यू 1, ऐसा ही 1 गुना 1 गुना 1 44 को आएगा, क्या फर्क पड़ता है, और बीच में जो बच जाएगा जिसका ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होता, 45 और 45 के भी वैल्यू क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हूं 1 गुना कीजिएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा जरूर, ये भी आरआरबी एनटीपीसी यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, आप इसका बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो आप फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर मुझे बार बार देखना चाहते हो या दूसरे को भी दिखाना चाहते हो कि किसी के पास कॉन्सेप्ट है तो अगर आप शेयर कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।